नमस्कार, अपनी चोरी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपको या किसी को भी किसी भी प्रकार का सम्मन कोर्ट के द्वारा रिसीव होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सम्मन होता क्या है। सामान्य तौर पर सम्मन एक लीगल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत है। विशेष रूप से सम्मन एक दस्तावेज और डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट का एक आदेश है, जिसके द्वारा कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए ऑर्डर करता है या पेश होने के लिए बुलाता है। समन मिलने पर किसी को उसे अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे अवॉइड करते हैं तो आप कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। जब आपको समन सर्व हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि आपको समन मिल गया है और उस समन पे जो भी डेट मेंशन की जाती है उस डेट पे आपको कोर्ट में अपीयर होना होता है। आप जानते हैं कि समन मिलने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या सही स्टेप्स हैं जो आपको उठाने चाहिए। जब किसी याचिका मतलब पिटीशन में प्रतिवादी के रूप में आपको समन भेजा जाता है तो आप खुद ही कंसर्न कोर्ट के सामने अपीयर हो सकते हैं। आप एक एडवोकेट के द्वारा भी वहाँ पे कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। जिसे जब आप कोर्ट एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में अपीयर होंगे तो वो जो एडवोकेट है वो आपको कुछ सही डायरेक्शंस कुछ गाइड करेगा आपको कि आपको कोर्ट में जाके करना क्या है, और एडवोकेट को ऐसा करना भी चाहिए ताकि कोर्ट के सामने जितने भी क्वेश्चंस कोर्ट आपसे करती है आप उसका आंसर कर सकें। समन मिलने के तुरंत बाद आपको अपना उत्तर दाखिल करना होता है, मतलब जो भी रिटर्न स्टेटमेंट या भी जो भी रिप्लाई समन के विषय में आपको वो देना होता है, जिसे हम हिंदी में लिखित बयान कहते हैं, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट। जिस दिन समन आपको मिलता है उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि आप रिटर्न स्टेटमेंट को निर्धारित अवधि के भीतर दर्ज नहीं कराते हैं या असक्षम रहते हैं और आपके पास उस देरी के पर्याप्त कारण हैं, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट को कोर्ट में फाइल करने का अगर उसमें आपको देरी हो जाती है, थोड़ा डिले हो जाता है और आपके पास उस डिले के बिल्कुल सही कारण है तो वो आप कोर्ट को बता सकते हैं, तो कोर्ट आपको किसी अन्य दिन किसी दूसरे दिन इसको फाइल करने की परमिशन भी दे सकती है। लेकिन समन सर्व होने के डेट से ये जो टाइम है ये 90 दिन के से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आज आपको समन सर्व हुआ है तो इन एनी केस आपको डिले हो गया 30 डेज के अंडर फाइल करने में, तो मैक्स टू मैक्स 90 डेज के अंडर ही आप इसको फाइल कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही अबनॉर्मल सिचुएशंस में कोर्ट जो है वो आपको 90 दिन से भी आगे जाने की परमिशन दे सकती है, लेकिन उसका जो रीज़न होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप कोर्ट में उस अपने डिले को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाएँ और कोर्ट आपकी बात से कन्विंस हो जाए तभी कोर्ट आपको 90 दिन से ज़्यादा का टाइम दे सकती है। तो ये जो था ये पूरा प्रोसीजर था कि जब समन आपको मिले तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।